कोई होगी करो बंद करो बंद करो देखिए, राजस्थान सरकार ने 1,10,000 संविदा कर्मियों को स्थायी करने की बात की थी, जबकि घोषणा पत्र में तो ये कहा था कि समस्त संविदा कर्मियों को, 1,10,000 की भी बात नहीं थी। लेकिन वो इस तरह का नियम लेके आई कि वो लाई तो थी संविदा पे नई भर्ती करने के लिए 11 जनवरी 2022 को। मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा उन अधिकारियों का, सरकार का, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी का माइंड वॉश किया। CHO 2 साल पहले इस रूल्स में आ चुके थे और IRGY वाले लोग आ चुके थे, लेकिन पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र तो 14-15 सालों से सेवाएं दे रहे थे, लेकिन जो विद्यार्थी मित्र के रूप में इन्होंने जो सेवा दी 5-6 वर्ष की या 7 वर्ष की 2008-07 से, उस सेवा को बिल्कुल जीरो कर दिया, गौण कर दिया। इनके साथ बहुत बड़ा घिनौना कृत्य किया है। इस एवज में संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भाई नरेंद्र चौधरी जी भी आज मौन व्रत करके पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ को समर्थन देने आए, और मैं संगठन का संयुक्त मोर्चा का प्रवक्ता, पंचायत संघ शिक्षक संघ का प्रदेश संयोजक होने के नाते आज हमारे भाइयों की पीड़ा के साथ में है। अगर इनके विद्यार्थी मित्र के अनुभव को या किसी भी संस्थान से कोई अनुभव है, DO के काउंटर सिग्नेचर है तमाम विद्यालयों में, कस्तूरबा गांधी प्रेरक लोकमित्र जुम्बिस जो भी व्यवस्था में अगर काम किया है, अगर उनके अनुभव को गौण कर दिया तो आज हम बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान की सरकार ने 17 जुलाई को जो लाठीचार्ज किया, हाउस उनका आधा घंटे बंद रहा है। हम दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय हो, चाहे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हो, राजस्थान सरकार को चुनाव से पहले बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के भाई नरेंद्र चौधरी और तमाम मोर्चा के कैडर के लोग, पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ के पदाधिकारी और जो विभागों के कैडर के लोग हैं, उनसे बड़ी रणनीति के तहत बड़े आंदोलन की रूपरेखा हो रही है। आज शहीद स्मारक पर पुनः हम इसलिए आए, हमें 1 महीने का अल्टीमेटम देके गए थे उस लाठीचार्ज में। आपने ललित जी बहुत अच्छे से देखा उस चीज़ को, हमारे दर्जनों साथियों को रात के अंधेरे में मारपीट करके रोड लहूलुहान हो गए जयपुर की सड़कें, और उसके वजह पूरे राजस्थान में काली पट्टी बांधी। हम तो ये कहते हैं कि राजस्थान को संविदा मुक्त अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री जननायक ने नहीं किया तो मुख्यमंत्री जी का भी अंतिम कार्यकाल होगा, और संविदा मुक्त राजस्थान होना तो वो तो हमारे संघर्ष के दम पे हम प्राप्त कर लेंगे, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। सरकारों से लड़ना हमें बखूबी अच्छे से आता है। आज मोर्चा के अध्यक्ष इसलिए नहीं बोल रहे, मौन धारण करने का मतलब है जब कोई व्यक्ति, आज भाई नरेंद्र चौधरी अकेला मौन नहीं है, राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मी मौन है, अपने घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, वो आज देख रहे हैं। सिर्फ हमने हमारे पंचायत शिक्षक संघ के पदाधिकारी बुलवाए क्योंकि हमें पता है कि आज रात को ही हमें मारपीट करके भगाएंगे जैसे परमिशन समाप्त होगी, और कल तमाम 24,023,749 पंचायत शिक्षक विद्यालय सर इस शहीद स्मारक के चारों तरफ मंडरा जाएंगे। मैं आपको विश्वास के साथ दावे के साथ कहता हूँ, रामजीत पटेल, प्रवक्ता संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान, पंचायत शिक्षक संघ प्रदेश संयोजक। समस्त राजस्थान के संविदा कर्मचारियों से जो चुनावी मैनिफेस्टो में जो वादा किया था, आज 4-4.5 साल निकलने के बावजूद भी वो चीज़ अमलीजामा नहीं पहनाया गया, किसी भी संविदा कर्मचारी का नियमितीकरण नहीं किया गया। सरकार ने संविदा सेवा नियम रूल्स 2022 जरूर लेके आए हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ही कमी खामियां हैं, जिसमें हमारे संगठन की बात करें, हमारे खुद की बात करें, उसमें पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों की अगर बात की जाए तो आज हम मात्र उसमें 5-6 साल की पंचायत सहायक की नौकरी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा पूर्व का अनुभव था, पंचायत शिक्षक हमने दूर दराज डाणियों में, गांव में, हरे गांव में, डाणियों में बच्चों को पढ़ाने का, शिक्षा देने का काम किया था, उसका अनुभव संविदा सेवा नियम रूस 2022 में सम्मिलित होना चाहिए। मैं आज इस धरने के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, उन्होंने बार बार हर स्टेज पर, हर धरातल पर ये कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूँगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ। ये पीड़ित शोषित वर्ग संविदा कर्मचारी, मुख्यमंत्री जी आपसे अनुनय करता हूँ कि आज एक तरफ आप परमानेंट कर्मचारियों के घर भर रहे हो, लेकिन संविदा कर्मचारियों का दिन प्रतिदिन हरेक सरकार ने शोषण करती आ रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी कि हमारा नियमितीकरण किया जाए, और जैसे भी हो, चाहे संविदा सेवा नियम रूस 2022 में लेके करें या डायरेक्ट किसी भी प्रक्रिया के तहत, राजस्थान के मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और वो गरीब तबके का और गरीब इंसान का ध्यान रखते हैं। मैं उस पुनः एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कैसे भी करके ये जो शोषित और पीड़ित वर्ग है, आपने नियमित कर्मचारियों का बहुत भंडार भर दिया, उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस संविदा कर्मचारी से, इस संविदा से मुक्ति दिला दो। खेमंत गठड़ा, राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ।
देखिए सर, राजस्थान की सरकार ने विधानसभा चुनाव से घोषणा पत्र में अपना वादा किया था कि जो ही हमारी सरकार बढ़ेगी हम 87 होंगे, हमारी 87 सरकार होने के बाद में हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। लेकिन पूरा कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, अर्थशास्त्र लगने जा रही है, लेकिन दावी ढाके तीन बात है। हालांकि संविदा रूल्स लाए हैं संविदा कर्मियों के लिए, लेकिन दरादल पर भी ऐसी कोई बात नहीं आई। इसलिए हमारी सरकार से मांग है जो संविदा रेल सेवा से 2022 लेकर आई है, उसमें जो हमारा पंचायत शिक्षक संघ और विद्यालय सहायक का जो विद्यार्थी मित्र का अनुभव है, जो पूर्व में हमें सेवाएं दी, वो जोड़ते हुए स्थायीकरण किया जाए, पेट ग्रहण किया जाए। अगर सरकार समय रहते हुए हमारा ये मांग पूरी नहीं करती है तो ये आंदोलन जन आंदोलन के रूप रहेगा और पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सांवर सिंह राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान पंचायत शिक्षक संघ।